देश मना रहा अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा के बाद पहुंचे यूक्रेन, राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। भारत यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई बातचीत। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद देश भर के डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। देश भर में आज से शुरू हुई सामान्य ओपीडी सेवाएं। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने नए कानूनों के तहत महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों में बोलने पर लगाया प्रतिबंध। सरकार ने कहा कानून की अवहेलना करने पर दी जाएगी सजा। बोलीविया की राजधानी लापास के जंगलों में भीषण आग लगने से शहर की वायु गुणवत्ता के लिए जारी किया गया अलर्ट। आग फैलने से 136 पहुंची वायु गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य के लिए बताया गया हानिकारक। पाकिस्तान में डकैतों ने पुलिस पर रॉकेट से किए हमले, 11 लोगों की हुई मौत, घायलों की स्थिति गंभीर। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 का शानदार प्रदर्शन, फिल्म पहुंची 400 करोड़ के पार। और खेल जगत में लोसानी डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, 89.49 मीटर का थ्रो फेंककर टूर्नामेंट में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।